Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. मैं आया हूँ लाहौर बशी मोटर्स पे. और बशी मोटर्स पे क्या क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम. मेरे साथ खैर शाहिद भाई भी हैं और यहाँ हम देखते हैं व्यूअर्स के क्या क्या मोटर बाइक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि जी लाहौर में हमें बताएं कोई ऐसी जगह. अच्छा जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले इधर एक BMW की खड़ी है, क्या डिटेल्स हैं ये हम पूछते हैं बशी भाई से ही. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. आमिर भाई, ये 2018 मॉडल है BMW F800 GS एडवेंचर. इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक F800 GS है सिंपल वो, और ये आता है GS एडवेंचर. GS एडवेंचर जो है ना वो बिगर टैंक के साथ आता है, कंफर्ट सीट होती है, लोअर क्रैश बार्स होते हैं, हैंड गार्ड्स लगे होते हैं, ये बिगर स्क्रीन है फ्रंट की. तो ये और ये वैसे भी अभी लास्ट वीक में आया है, ये ब्रांड न्यू बाइक है. मतलब इसका स्पीडोमीटर पे सिर्फ 6 किलोमीटर चला हुआ है. और मेरा ख्याल है मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में मार्केट में किसी के पास भी इस माइलेज में ये वाला F800 GS एडवेंचर अवेलेबल नहीं होगा किसी भी शोरूम पर स्पेशली. स्टार्ट करके और आप आवाज़ भी सुन ले, जो कि वीडियो में तो नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं एक आपको बहुत खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. और वाकई ये आप देखें अच्छा जी. उसके बाद व्यूअर्स है बाइक भी मैं दिखाता हूँ, BMW की F700. बची भाई इसकी डिटेल बताएं. 2014 मॉडल है BMW F700 GS. ये 16 की इम्पोर्ट है, 16 का रजिस्टर्ड है, 8500 किलोमीटर चला हुआ है. इसके ऊपर कुछ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज हैं, जैसे ये हैंड गार्ड्स लगे हुए हैं, हैंडल बार अपराइजर्स हैं, ये क्रैश बार्स लगी हुई हैं, नीचे ये इंजन स्किड प्लेट है, इसको प्रोटेक्शन प्लेट भी कहते हैं इंजन. और ये फुल स्पेक्स वाला बाइक है, इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सस्पेंशन, हीटेड ग्रिप्स, मतलब आई मीन ये पूरा फुल स्पेक्स वर्जन है इसमें. बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है, यानी वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकती. और मैं आपको एक खैर लुक दिखा दूँ, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आएं. और मैं नंबर भी शेयर करूंगा, इनके फ़ोन नंबर ये एक देख लें लुक यहां से. और जी व्यूअर्स ये हो गई. अच्छा जी जी बची भाई, एक और बड़ी खूबसूरत सी जो मुझे पर्सनली बड़ी अपील कर रही है, ये बड़ा खूबसूरत कलर स्कीम है. 2015 मॉडल है BMW F700 GS. ये जो अभी आपने पहले देखा है ये 14 मॉडल था, ये 15 मॉडल है. और ये 12,000 किलोमीटर चला हुआ है, लाहौर रजिस्टर्ड है. इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि जो ट्रैवलिंग के लिए बॉक्सेस चाहिए होते हैं, इसके साथ ये बॉक्सेस भी मौजूद हैं, इसके साथ एडेड है. जी व्यूअर्स, मैं आपको लुक दिखा दूं और बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी अपील कर रही है. क्रैश बार्स, नीचे इंजन प्रोटेक्शन प्लेट है, ये ऑयल रिजर्वर प्रोटेक्शन लगी हुई है. अच्छा जी व्यूअर्स, लुक देखें ज़बरदस्त, पैनियर्स लगे हैं और जैसे इन्होंने बताया है, मतलब देख के व्यूअर्स पता चलता है कि मतलब मज़ा आ गया मुझे बहुत, माशाल्लाह. और आप बिल्कुल आएँ जी व्यूअर्स, नंबर मैं इनका आप देखेंगे वीडियो में. उसके अलावा जी बशी भाई, ये कुछ मुझे स्पोर्ट्स में नज़र आया यामा का. ये 2012 है जी, यामा YZF R1. ये 2017 का है, रजिस्टर्ड लाहौर, 8100 माइल्स चला हुआ है. और इसके अंदर आफ्टर मार्केट इसके रिम्स लगे हुए हैं, एक्रापोविक एग्जॉस्ट हैं, शॉर्टी क्लच ब्रेक लीवर हैं,
स्मोक वाइजर है, क्रैश प्रोटेक्टर लगे हुए हैं। ये मोटो जी पी लिमिटेड एडिशन है यामाहा। ये व्यूअर्स एक मैं आपका लुक दिखाऊं। अब मेरे जो चैनल वॉच करते हैं व्यूअर्स, उनको पता है कि दिस इज़ माय फेवरेट टोन, और रेड और वाइट में बड़ा खूबसूरत बाइक है जी व्यूअर्स। ये देख लें, एक लुक बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद व्यूअर्स आगे एक और यामाहा की R18 जी बची भाई, इसका भी काइंडली। ये 2009 मॉडल है जी, और ये बड़ी अपीलिंग कलर स्कीम है इसकी, येलो ब्लैक में बड़ा पसंद किया जाता है इसमें। ये तकरीबन कोई 15-16,000 किलोमीटर चला हुआ है, ये भी लाहौर रजिस्टर्ड है। और ये जिस तरह उसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगे हैं, ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में बाइक है, सिर्फ क्रैश प्रोटेक्टर लीवर्स और स्मोक वाइजर लगा हुआ है इसमें सिर्फ। व्यूअर्स क्लोज लुक दिखा दूं, ये आ गई व्यूअर्स और नेक्स्ट बाइक। वाह सुजुकी जी बची भाई। ये 2016 है सुजुकी GSXR 600, 5600 किलोमीटर चला हुआ है, लाहौर रजिस्टर्ड है। ये बाइक स्टॉक कंडीशन में जिस तरह फैक्ट्री से आता है उसी तरह ही, सिर्फ क्रैश प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं और कुछ ऐसा एडिशनल इसके अंदर पार्ट्स नहीं है। और मेरे ख्याल से मार्केट में जितने भी 2016 के 600 हैं सुजुकी में अवेलेबल, उनमें ये सबसे क्लीनेस्ट बाइक जो है ना वो अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा जी व्यूअर्स, यकीन करें कि माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत बाइक, मतलब कम से कम मुझे तो लगता है कि अगर मैं लेके जाऊं तो मैं तो इसको शायद ड्राइंग रूम में लेके जाके खड़ी कर दूंगा। ये आपको मैं एक लुक दिखा दूं, वाकई ही वेरी नीट, ज़बरदस्त। ये आप देखें जी व्यूअर्स लुक, क्योंकि व्यूअर्स मज़ा वही आता है कि आप वो रिकमेंड करें जहां आपकी तसल्ली है कि कोई आए तो मतलब वो सेटिस्फाइड हो। ये एक आ गई लुक व्यूअर्स, अच्छा जी। उसके आगे जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं Z1000 का बताएं बच्चे। ये 2014 मॉडल है कावासाकी Z1000, ये 2013-14 में इसको रिवाइज सारी शेप थी इसकी, और ये ऑलमोस्ट कोई 15,000 किलोमीटर चला हुआ है, 17 की इम्पोर्ट और अनरजिस्टर्ड है। इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगे हुए हैं और उसके अलावा कुछ ऐसी एडिशनल एक्सेसरी नहीं है, बाकी स्टॉक है बाइक सर, और बेहतरीन कंडीशन में है, साफ सुथरा है, जेन्युइन पेंट में है सर जी। व्यूअर्स इसके चाहने वाले काफ़ी हैं, फ्रेंड्स ने भी मेरे है ये बाइक, और ऑनेस्टली मैंने ख़ुद भी चलाई है। इतनी को टॉर्की होती है कि हर गियर में समझें कि इसकी, ये मैं एक आपको लुक दिखा दूं, ये आ गई लुक, ये यहाँ से देखते हैं व्यूअर्स। ओके जी व्यूअर्स, इसके बाद वाह ZX14R कावासाकी जी बची भाई। ये जी 2010 मॉडल है कावासाकी, ये यूके वेरिएंट है, इसलिए इसको ZZR 1400 कहते हैं। जो यूएसए वेरिएंट इसमें आता है ना उसको ZX14R बोलते हैं। ये मेरे पर्सनल यूज़ में ऑलमोस्ट कोई 5 साल से, मैंने ये बाइक ख़रीदा था जब ये तकरीबन कोई 5000 किलोमीटर चला हुआ था, अभी ये ऑलमोस्ट कोई 10,000 के करीब हो गए। मैंने इसमें सिर्फ ये एग्जॉस्ट लगाए थे टू ब्रदर्स के, और एक ये स्मोक वाइजर स्पोर्टेक का स्कल स्मोक वाइजर मैंने ऐड किया था। बाकी माशाल्लाह जो कंफर्ट लेवल इसका है वो हर किसी का अपना ओपिनियन है, मुझे पर्सनली हायाबूसा और 14R में अगर कंपैरिजन करूँ तो मुझे ज़्यादा 14R अट्रैक्ट करता है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये दिखा दूँ आपको लुक,
लुक देख लें, और जो मुझे जो व्यूअर्स के हर बाइक अच्छी ही है यहाँ। अच्छा जी बची भाई, अगर ये बताएं बिनेली 150 आए कि मुझे पैक पीस नज़र आ रहे हैं, यानी बिनेली का भी कोई भी ब्रांड तो आपसे रब्ता किया जा सकता है? जैसे बिल्कुल किया जा सकता है, बिनेली का मेरे पास बाइक्स आते रहते हैं स्टॉक में जब भी फ्रेश इंपोर्ट आता है। ये इसका 150 सीसी है जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये बाइक्स क्रेट में अभी तक, तो ये जब कोई ख़रीदेगा तो तभी उसको हम इसको असेंबल करके और उसको दे देंगे। अभी इवन ये मतलब बाहर भी नहीं निकले ना, ये स्टार्ट है, तो ये जो है ना अवेलेबल है हमारे पास ब्लैक में और वाइट में। बाकी इसमें 180S भी आया था, वो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, 180S बड़ा क्विकली सेल हुआ है। और इसमें माशाल्लाह बिनेली एक बड़े अच्छे ब्रांड की तरह सामने आया, जिसमें काफ़ी इन्होंने 2016 से लेके अभी तक काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स ये मार्केट में लेके आ चुके हैं, जिसमें 150, 180, 250, 400, 600, और जिसमें टोरिंग कैटेगरी में भी ये TRK 500X इस तरह काफ़ी मतलब माशाल्लाह एक अच्छा रिस्पांस मिला बिनेली पे। जी व्यूअर्स, आपने कोई भी बिनेली लेनी हो तो आप यहाँ जो नंबर इनका है उससे आप कॉल करें और कोई भी आप बुक कर सकते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आपको फिल्टर्स, ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, इंजन ऑयल और लिक्विड मोली। ओके जी, मैं अब देखें ख़ास के लिक्विड मोली का चेन ल्यूब जिसको नहीं मिल रहा था तो यहाँ मुझे नज़र आया, तो आप ये मेरा ख़्याल है कि आप को ये भेज भी देंगे, और ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं आप ये देख रहे हैं। और उसके अलावा जी इरिडियम स्पार्क प्लग्स भी हैं। तो व्यूअर्स, ये था बशी मोटर्स का एक मेरा विज़िट, और नंबर इनका आ रहा है। और जी बशी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला और आप आए हैं, और अभी तो लास्ट वीक में 3-4 बाइक सेल हुए हैं इसलिए आपको फुल इन्वेंट्री नहीं दिखा सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी आप आएंगे तो आपको मज़ीद फ्रेश इंपोर्ट जो बाइक्स हैं या मज़ीद जो बाइक्स हमारे पास बिकने के लिए आते हैं वो आपको इंशाल्लाह उनका भी बेहतर रिव्यू देंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।